हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा आई एम शिवानी चौहान इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास नाइन्थ मैथ्स की बुक का चैप्टर टू एक्सरसाइज टू पॉइंट फोर का क्वेश्चन फाइव इससे पहले के सारे क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी वो आप देख लीजिएगा और बाकी साइंस हो गई एस एस टी इंग्लिश वो हमारी सब कुछ हमने कवर किया हुआ है जब भी आप कोई चैप्टर सर्च करें तो उस चैप्टर के आगे लर्नर भी लिख दें तो सबसे ऊपर आपको वो वीडियो मिल जाएगा तो देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव जो है क्वेश्चन नंबर फाइव हम लोगों से क्या कह रहा है इसमें हमें बोला गया है कि हमें फैक्टराइज़ करना है फैक्टराइज़ करना है किसको एक्स क्यूब टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू को अब जरा देखो फैक्टराइज तो यहाँ पे भी करना था यहाँ पे भी करना था यहाँ पे सिंपली हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर दिया था हमने क्वेश्चन नंबर फोर में बट क्वेश्चन नंबर फाइव में ना दिक्कत क्या है कि ये देखो यहाँ पे एक्स क्यूब है और क्यूब का हम लोग जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमसे हो नहीं पाता है हम स्क्वायर वाले का ही कर पाते हैं तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे देखते हैं कि किस तरीके से अब ये सॉल्व होगा तो क्वेश्चन नंबर फाइव जो है इसको हम लोगों को पहले इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे कैसे निकालेंगे तो फर्स्ट पार्ट देखो एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का टू ये है अब हम क्या करेंगे यहाँ पे क्योंकि, क्योंकि क्यूब है हमसे स्क्वायर के फैक्टर्स के निकालने हमने सीखे हैं हमें आते हैं वही करना है तो क्या करेंगे हमें ना इसके निकालने होंगे कि भाई इसका क्या फैक्टर हो सकता है और फैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले हम लोग करते हैं कि चलो भाई पी एक्स को हम पहले तो जीरो रख देते हैं फिर हम क्या करते हैं कि चलो यार x की जगह कुछ कुछ रख के देखते हैं कि x की जगह कुछ रख के क्या हमें कुछ सोल्यूशन मिल करके आ रहा है तो चलो x की जगह हम लोग क्या करें x की जगह हम लोग क्या रख के देखें एक्स की जगह हम लोग रख के देखते हैं सपोज करिए प्लस का वन अगर प्लस का वन हम लोगों ने एक्स की जगह रखा और यहाँ पे ज़ीरो आ गया तो इसका मतलब x व... एक्स इजिक्वल्स व... टू वन जो है वो फैक्टर हो जाएगा इसका बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि x की जगह वन रखेंगे तो काम नहीं चलेगा x की जगह माइनस वन क्योंकि मैंने देखो यहाँ पे वन रखा तो वन आ गया तो करके देखते हैं माइनस वन रख के देखते हैं आप वन रख के भी देख लीजिएगा माइनस वन से आएगा वैसे माइनस वन का होल क्यूब माइनस टू इंटू माइनस वन का स्क्वायर देखिए जब आप क्वेश्चंस करते जाते हैं ना तो आपको समझ में आने लगता है कि क्या रख के आपका आंसर आने वाला है तो क्योंकि माइनस वन का क्यूब तो देखो माइनस वन की पावर अगर ऑड होती है तो माइनस वन ही रह जाता है ये मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है और अगर माइनस की पावर इवन होती है तो वो प्लस हो जाता है ऐसे ही माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और प्लस का यहाँ पे टू आ जाएगा तो ये हो गया माइनस वन माइनस टू इंटू वन ये हो गया माइनस का टू ठीक है और ये हो गया प्लस का वन और ये हो गया का तो न, प्लस का टू तो देखो ना प्लस का वन और ये माइनस का वन और प्लस का वन कट गया माइनस का टू और प्लस का टू कट गया तो यानी कि जीरो आ गया तो इसका मतलब क्या है कि x Uh, जब हम x की वैल्यू माइनस वन रखेंगे यानी कि x प्लस वन इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो तो यानी कि जब x की वैल्यू हम लोगों ने माइनस वन रखी है तो हम लोगों का क्या आ गया है आंसर आ गया है अब हम ये x की वैल्यू माइनस वन हमने रखी थी ना बट यहाँ पे तो क्या था यहाँ पे तो क्या था x प्लस वन क्योंकि हम इक्वल टू जीरो के टर्म्स में लेकर के चलते हैं ना तो हमारा फैक्टर क्या आ गया हम लोगों का फैक्टर यहाँ पर क्या बन जाता है एक्स प्लस वन ये जो है ये वाली चीज़ हम लोगों की फैक्टर यहाँ पर बन जाएगी एक्स प्लस वन इज़ अ फैक्टर तो एक्स प्लस वन हम लोगों का यहाँ पर फैक्टर निकल के आ गया अब एक्स प्लस वन फैक्टर आया है अब इसको एक्स प्लस वन से डिवाइड हम लोग कर देंगे ठीक है तो x प्लस वन से अब हम लोग डिवाइड करते हैं और ये डिवीजन करना बच्चों अच्छे से सीख लीजिए क्योंकि टेंथ क्लास में भी बहुत ज़्यादा काम आएगा इसको हम लोग डिवाइड करते हैं इस एक्स प्लस वन से ठीक है तो देखो अब यहाँ पे ये यह सीखना है आपको फिर मैं दोबारा से बताऊँगी कैसे कैसे क्या, क्या क्या किया है अब यहाँ पे ज़रा देखो कि हमने क्या किया है यहाँ पर x प्लस वन बट हम लोगों का यहाँ पे क्या था हम लोगों का तो x क्यूब है तो x क्यूब है और इधर x प्लस वन है तो हम क्या करेंगे हमें x क्यूब बनाना है तो यहाँ पे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर इंटू वन क्या हो जाएगा ये देखो प्लस का एक्स स्क्वायर है ना अब देखो हमें इसके बाद ना हम साइन चेंज करते हैं मतलब तो ये प्लस का है तो अब हम, हम माइनस का कर देंगे ये प्लस का है तो माइनस का कर देंगे अब जरा देखो ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया तो इसको काट दो ये माइनस का है और ये भी माइनस का है तो जब दो माइनस के साइन वाले ऐड होते हैं तो क्या बनता है प्लस बनता है जो दो माइनस साइन होते हैं तो हम ऐड करते हैं बट साइन वही लगाते हैं तो माइनस का टू एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स नीचे उतार दो और इसी तरीके से ये प्लस का टू भी नीचे उतार दो तो ये दोनों कट गए तो ये बन गया अब ये क्या देखो जरा यहां पर कि आ, यहां पर क्या है यहाँ पर माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर है और यहां पर क्या है एक्स है तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग एक्स माइनस थ्री एक्स कर देंगे यहाँ पे माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री एक्स की मल्टीप्लाईस एक्स से करेंगे तो क्या बन जाएगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर इस माइनस थ्री एक्स की मल्टीपल प्लस के वन से करेंगे तो क्या बनेगा माइनस का थ्री एक्स अब फिर से साइन चेंज कर दो मतलब उल्टा कर देते हैं माइनस होता है तो प्लस कर देते हैं प्लस होता है तो माइनस तो दोनों माइनस से प्लस कर दिया क्योंकि हमें काटना होता है अब जरा देखो ये माइनस और ये अब प्लस अब ये माइनस नहीं रह गया अभी प्लस बन गया है तो इसको काट दो तो, ये माइनस है और अब ये क्या हो गया है ये प्लस हो गया है तो माइनस एक्स और प्लस का थ्री एक्स क्या बनेगा प्लस का टू एक्स क्योंकि माइनस आप देखो ना माइनस वन और प्लस थ्री क्या बनता है टू बनता है प्लस का इसी तरीके से एक्स लगा दिया तो प्लस का टू एक्स यहाँ पर बन जाएगा और ये टू नीचे उतरेगा तो ये भी प्लस का टू अब जरा देखो यहाँ पे x है और यहाँ पे 2x बनाना है हमें और यहाँ पे x ऑलरेडी है तो हम क्या करेंगे प्लस का 2 तो प्लस का 2 इन एक्स क्या हो जाएगा 2x और प्लस का 2 इं वन क्या हो जाएगा 2 तो माइनस तो माइनस और हमारा आंसर आ गया ये तो इसका मतलब हम लोगों ने जब अब फैक्टर्स हमारे ये वाले आ गए हैं ये बड़ा क्वेश्चन है अभी हुआ नहीं है ये आया है एक्स ये मैंने माइनस क्यों लगा दिया ये हटाओ हाँ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स और प्लस टू अब इसको अब हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से वैक्टराइज़ करना पड़ेगा देखो अब इतना कर दिया है ना अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो हमने क्वेश्चन नंबर फोर में देखा था वो करते हैं ठीक है थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है इसी तरीके से बिल्कुल टेंथ क्लास में भी आप लोग को करना है सेम तो अच्छे से सीख लो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस है तो हमें क्या करना होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में ये वाला और ये वाला तो एज इट इज उतार देते हैं हम लोग और बीच वाले को स्प्लिट करते हैं बीच वाले स्प्लिट स्प्लिट करते हैं वो कैसे करते हैं इसका कोफिशियंट वन है और इसका टू है तो वन इंटू टू यानी कि मल्टीप्लाई करके तो आना चाहिए टू और ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए माइनस का थ्री तो ये कैसे बन सकता है ये सिंपली बन सकता है मल्टीप्लाई करके तो टू आना चाहिए और ऐड करके माइनस थ्री आना चाहिए तो क्या बनेगा टू और वन ही तो बनेगा सिंपली माइनस का टू एक्स है ना और माइनस का वन एक्स तो माइनस माइनस ही क्यों रखे मैंने दोनों क्योंकि ये तो एडिशन का है ये वाला क्योंकि ये देखो मल्टीप्लाई करके तो प्लस का टू आना चाहिए और माइ एड करके माइनस का थ्री आना चाहिए तो माइनस का टू एक्स इंटू माइनस का वन एक्स क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करके टू एक्स हो जाएगा और टू माइनस का टू एक्स और प्लस का वन एक्स क्या हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस का थ्री तो बस हमारा बन गया अब अब क्या करना होता है अब हमारा जो ये वाला बन गया होता है इसमें बाहर हम एक्स ले लेते हैं और ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं और ऐसे ब्रैकेट लगा दो एक्स बाहर ले लिया तो एक्स अंदर भी ले लो अब ये वाला एक्स तो आपने इस ये वाला इससे भी एक्स जो हटा दिया था, था इससे भी एक्स हटा दिया था तो माइनस का टू बचा माइनस का टू उतार दो अब ये जो अंदर बना है ना एज इट इज इसको पहले तो यहाँ लिख दो उसके बाद सोचना क्योंकि यही होता है इसी तरीका बता रही हूँ करने का वैसे तो करना तो सोच के ही चाहिए बट ये बिल्कुल सही तरीका है हमेशा सही बैठता ही है तो x माइनस टू बोल गया अब देखो कि प्लस का था बट यहाँ हमने हमने माइनस का लिख दिया है तो यानी कि बाहर भी माइनस का साइन लगाओगे okay, क्योंकि ये हो जाएगा माइनस का x और फिर हो जाएगा अंदर प्लस का टू तो हमारा इस तरीके से ये बन जाएगा ठीक है तो ये हो गया अब हम क्या करेंगे ये x माइनस टू जो एक जैसे हैं इसको यहाँ लिख दो और x माइनस वन ये हमारे यहाँ लिखो लिख दो तो हमारे फैक्टर्स एक तो ये आ गए और एक हमारा फैक्टर ये वाला आया था एक्स प्लस वन तो एक्स प्लस वन ये तीन हमारे फैक्टर्स आ गए तो समझ में आ रहा है बच्चों तीन फैक्टर्स हम लोगों ने यहाँ पर बना लिए हैं अब क्योंकि यही क्वेश्चन हमारा काफ़ी बड़ा हो गया है इसका सेकंड पार्ट करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा इसलिए हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब आगे का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे मतलब जो आगे के पार्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ये देखो ये मिट कैसे क्या एक्स क्यूब और माइनस uh, का टू एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स ये था क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने किस तरीके से क्या क्या किया था ये मैं समझा देती हूँ दोबारा से हमने देखा था ये एक्स क्यूब है तो भाई कौन से इसके फैक्टर होंगे तो एक फैक्टर तो हम लोग ऐसे करके निकाल सकते हैं कि वो नंबर अगर हम एक्स की जगह पुट करेंगे तो आंसर जीरो आ जाएगा तो माइनस वन हमने एक्स की जगह पुट करा था तो जीरो आ गया था तो माइनस वन पुट करा था तो इसका मतलब फैक्टर हमारा हो गया एक्सप्लस वन ये चीज़ हम लोग इससे पहले के क्वेश्चन में भी समझ चुके हैं फिर हमने एक्सप्लस वन को डिवाइड करा इस एक्स प्लस वन से हमने इस पूरे को डिवाइड करा एक्सप्ल वन से डिवाइड करा तो हम लोगों के पास आंसर आ गया ये एक्स क्यूब और थ्री एक्स प्लस टू तो फिर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस थ्री सॉरी हमने इस वाले को पूरा डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू फिर हमने इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करा तो हमारा फाइनली आंसर आ गया ये ये तीन फैक्टर्स हैं अब आगे के जो है पार्ट्स वो नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे थैंक यू